देवानी जी, मेरा सवाल ये है कि आदिवासियों की लड़ाई के लिए हमेशा एक बात आई है कि आदिवासियों की लड़ाई है तो लीडरशिप भी किसी आदिवासी के हाथ में होना चाहिए। इस बात में, इस लीडरशिप को लेकर आपका मत क्या है? देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि मैं एक तो है कि उसमें मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे झारखंड में जो लोग बोलते हैं कि झारखंड में जो भी मैंने सीएम हो गया होगा वो आदिवासी ही होगा, ये मैंने एक ये भी लीडरशिप है, लेकिन ये अलग बात है कि ये आदिवासी बहुल इलाका है और झारखंड में आदिवासियों का अपना इतिहास है, संघर्ष का इतिहास रहा है, त्याग का इतिहास रहा है, शहादत का इतिहास रहा है इस राज के लिए, इसलिए आदिवासियों मैंने राज होने के नाते आदिवासी ही इस राज का मैंने नेतृत्व संभाले, ये अलग बात है। लेकिन आदिवासी मुद्दों के लिए जो जनरल मुद्दे हैं उनके लिए आदिवासी यूं का मैंने लीडर आदिवासी ही होगा, ऐसा मैंने मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, ना मैं इस चीज को मैं मानती हूँ, इसलिए कि हम पूरे इतिहास में हम देखेंगे तो जब देश आजाद हुआ तब भी जितने भी देश में जिस भी जाति धर्म के लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ में सब सामूहिक नेतृत्व पर लड़ाई लड़े। झारखंड में जहाँ भी आप जंगल जमीन की बात करते हैं वहां भी मैंने सब कोई मिलकर ही लड़ रहे हैं। अभी एक अलग बात है कि आदिवासी इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, तो जितने भी जो जन आंदोलन है जंगल बचाने का, जमीन बचाने का, भाषा और संस्कृति बचाने का जो संघर्ष है उस आंदोलन में आदिवासी बहुल इलाका होने के नाते ये स्वाभाविक है कि आदिवासी उनका नेतृत्व रहा है, लेकिन उस आंदोलन में भी सिर्फ आदिवासी नहीं है, यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के जो अपने मेहनत कश हैं उनकी भी भागीदारी रही है और सबकी भागीदारी मिलके ही आंदोलन को एक मुकाम तक ले जाता है। और मैं अपना जो मित्तल के कंपनी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ी उस आंदोलन का पहले नाम हम लोग दिए थे आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच, लेकिन वो आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच वो डिलिमिटेशन को लेके वो नाम दिया गया था और वो उसमें था कि आदिवासी सीटें घट रही थी, सिर्फ आदिवासी उनका जो 28% जो आरक्षित सीट है उसको घटाया जा रहा था, 21 किया जा रहा था, इसलिए उस आंदोलन को लीडरशिप देने के लिए इस आंदोलन मंच का नाम रखे थे आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच। लेकिन जब मित्तल कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गए तब हमने वहां पर साथियों के बीच में रखा कि किस बैनर से हम लोग आंदोलन करेंगे, एक तो हम लोगों के पास आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच पहले से गठन किया गया है उसमें चलेंगे, या तो क्या साथी लोग बोले कि नहीं आपको उसका अनुभव है इसलिए लीडरशिप पे इसलिए आंदोलन को मैंने ले जाने के लिए ये अच्छा है कि आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच से हम लोग मैंने लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं 1 महीना 2 महीना के बाद मैं रियलाइज की जो हम लोग का आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच था उसका हम लोग फिर बैठ के पूरी तरह से संगठन के साथियों के साथ हम लोग ये तय किए और हम लोग निर्णय लिए कि नहीं, हम लोग यहाँ पर आदिवासियों के साथ मूलवासी भी हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं, इसलिए संगठन का नाम आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच हम लोग रखेंगे, इसलिए कि ये कलेक्टिव मैंने सामूहिक लड़ाई है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं और जंगल जमीन बचाना सिर्फ आदिवासियों का नहीं लेकिन उस इलाके में जितने भी मैंने समुदाय हैं जो नेचर से रिलेटेड सोसाइटी हैं उन के साथ मिलके हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच रखा। इसलिए मेरा अपना मानना है कि आज जब लड़ाई में एक तरफ जल जंगल जमीन का लड़ाई की बात हम अगर हम लेते हैं उदाहरण के लिए और जल जंगल जमीन का लूटने के लिए पूरा वर्ल्ड के कारपोरेट घराने और जितने भी सत्ता में रहने वाले और जितने भी कारपोरेट घराने के जो नुमाइंदे हैं वो एक मंच में आ रहे हैं और तब ऐसे परिस्थिति में आदिवासी केवल अपने आइडेंटिटी या तो जल जंगल जमीन बचाने का लड़ाई सिर्फ आदिवासी अकेले नहीं लड़ सकता है। आज तमाम जो मैंने जंगल जमीन के साथ जिनका जीविका संबंध है, जिनका भाषा और संस्कृति उनसे रिलेटेड है,
उन तमाम समुदाय को एक साथ एक मंच में आना होगा। ये सिर्फ झारखंड का बात नहीं है, पूरे भारत के साथ पूरे विश्व की बात मैं कह रही हूँ कि सबको को एक मंच में आना होगा, तभी मैंने एक लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं जीत सकते हैं। और नगरी में जब मैं लड़ाई लड़ रही थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जो मैंने बैक सपोर्ट है, तो नगरी के आंदोलन के समय मुझको मीडिया का मैंने बहुत सपोर्ट मिला। मैं इस चीज को मैंने एक नए सिरे से मैं अनुभव की। जब मैं जेल में थी तब जितना मैंने साहित्यकार थे, आर्टिस्ट लोग थे और यहाँ मीडिया के लोग भी थे, वो लोग मेरी रिहाई के लिए लगे हुए थे। और उसमें अगर साहित्यकार को, साहित्यकारों का ये को मैं ग्रुप को मैं देखती हूँ तो साहित्यकार आदिवासी केवल नहीं है, उसमें हर जाति धर्म के लोग साहित्यकार लोग थे। आर्टिस्ट लोग जितने भी लोग मेरे ये से अभिव्यक्ति के नाम से मेरे रिहाई के लिए पेंटिंग किए, वो तमाम लोग हर जाति समुदाय के थे। तो वो लोग कहीं ना कहीं, मैं विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ती हूँ, मैंने आदिवासी कौज को लेके लड़ाई लड़ती हूँ जंगल बचाने का, जमीन बचाने का, तो तमाम समुदाय आज रियलाइज करता है कि शुद्ध पानी सबको को चाहिए, शुद्ध हवा सबको को चाहिए, सबको को मैंने शुद्ध भोजन चाहिए, और सबको मैंने चाहते हैं कि मैंने विकास हो तो बैलेंस विकास हो, यहाँ किसी को उजाड़ा नहीं जाए, ये सबको ही रियलाइज करते हैं। और उसके बाद मैंने एक नया ये देखा, और पहले से भी मेरा अपना ये था कि लड़ाई हर कोई को मिलके ही लड़ना पड़ेगा। और उसमें एक तो रहा कि नेतृत्व, तो जो जितना कमिटमेंट के साथ आगे लड़ेगा, अगर भगत सिंह में कमिटमेंट था तो भगत सिंह का नाम ले रहे हैं हम लोग, बिरसा मुंडा में कमिटमेंट था उनका नाम ले रहे हैं, सिद्धू कानू का कमिटमेंट था इस देश के लिए तो हम लोग उसका नाम ले रहे हैं। रही बात कि आप में कितना कमिटमेंट है, आप रेस में कितना अपने समाज के लिए आप कुर्बानी दे सकते हैं, कितना आप त्याग दे सकते हैं अपने समाज के लिए, वो वही आपको लीडरशिप बनाता है, वही आपको नेता बनाता है। कोई नेता इसे कहने से लिखने से केवल नहीं बनता है, नहीं तो अभी यहाँ पर तो मैंने इस तरह के नेता बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा देश लीडर विहीन हो रहा है। आज देखिए आप अभी तो झारखंड के आदिवासियों को तो छोड़ दीजिए, पूरा भारत में एक तरफ राहुल गांधी ही एकमात्र दिखाई देता है, और एक तरफ अभी बीजेपी और आरएसएस एक तरफ से निकाल के लाए हैं नरेंद्र मोदी को। मेरा ये मानना नहीं है, और हम लोगों का एक तो है कि कोयलकारों का भी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, सामूहिक लीडरशिप में लड़े हैं, नेत्रहाट का भी लड़ाई लोग जीते हैं, सामूहिक लीडरशिप में जीते हैं, तो सब जगह मित्तल कंपनी का लड़ाई मैं जरूर उनके बीच में रही हूँ, लेकिन अगर सामूहिक रूप से वो वहाँ के जो जितने भी यूथ हैं मेरे साथ नहीं होते, वहाँ का बच्चा से लेके 90 साल का अपने आदमी मेरे साथ नहीं होते, तो देहमनी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। हर किसी का लीडरशिप चाहिए, और ये कलेक्टिव लीडरशिप जो हमारा एक है कि आदिवासी समाज मानता है कि कलेक्टिव हर चीज में कलेक्टिव लीडरशिप पर भरोसा रखता है, डिसीजन पर भरोसा रखता है, ये मैंने अपने जीवन में सीखा है कोयलकारों से भी, नेत्रहाट से भी, और उसी के तर्ज में मैं सब जगह अपनी बात मैंने थोपने का काम नहीं की। हाँ, जहां पर नहीं बन रहा है वहां पर मैं डिसीजन लेके अपने लोगों के बीच में रखती हूँ, और लोग बोलते हैं कि हाँ ये सही डिसीजन है, जब सबको इसमें सहमत होते हैं तो उसके बाद रास्ता आगे तय करते हैं।